हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। सो वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। यार आज वाली वीडियो में मैं स्केच बना रहा हूँ अपने स्कूल टाइम के फ्रेंड का। तो काफ़ी टाइम से यू नो उसका जब भी मैंने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाली, जब भी मैंने कोई भी अगर पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे, तो उसका सबसे पहले यही मैसेज आता था कि मेरा स्केच क्वेश्चन मार्क आ गया, मेरा स्केच। तो काफ़ी टाइम से मैंने भी उसको बोल के रखा था कि उसका स्केच बनाऊंगा। तो मुझे लगता है 5-6 महीने हो गए थे मुझे ऑलरेडी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना अब पहले मैं उसका स्केच बनाऊं सबसे पहले, तो बाकी वाले जो मैं स्केचेस है वो बाद में शुरू करूं। तो अभी ये वाला स्केच है जो मुझे ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 हफ्ता लग गया बनाते बनाते ड्यू टू सम ऑफिस वर्क ऑल्सो, बट फाइनली ये आउट स्केच अच्छा बना है। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने जो उसकी ओरिजिनल फ़ोटो है जिसको देख के मैं ये स्केच बना रहा हूँ वो भी अटैच की है। जब आप स्केच की एंडिंग देखोगे तो स्केच काफ़ी अच्छा सिमिलर बना है ये वाला स्केच। और इस ये स्केच बना रहा हूँ मैं A3 शीट में, और फ़ायदा ये है A3 शीट में स्केच बनाने का कि यू नो आप काफ़ी डिटेलिंग कर सकते हो, बिकॉज ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा एरिया से आप ज़्यादा डिटेलिंग भी कर सकते हो। तो इसी वजह से मैं अब जितने भी स्केचेज आएंगे मेरे A3 के ही आएंगे, बिकॉज जो छोटी शीट्स थी A4 वाली वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, और मैंने अब जितनी भी शीट्स ऑर्डर की हैं वो सारी A3 की हैं। तो ऑलमोस्ट 20 शीट्स हैं, तो 20 शीट्स पे सारे स्केचेस A3 बड़ी शीट्स पे आएंगे। तो काफ़ी कोशिश मेरी यही रहेगी कि रियलिस्टिक से रियलिस्टिक स्केचेस बनाऊं और भी। और इस वाले स्केच में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है बीएड वाले पोर्शन पे लगा है, क्योंकि एरिया ज़्यादा होने के वजह से, और बीएड मैंने बनाई है चारकोल से, और चारकोल अप्लाई करने के बाद मैंने उसमें से जो इरेज़र है टॉम्बो इरेज़र उसके साथ मैंने स्ट्रोक्स अप्लाई करके बीएड बनाई है। और बीएड बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा इस स्केच में, हालांकि बाकी एरिया फिर भी मैंने बड़ी जल्दी कंप्लीट कर दिए थे। तो टाइम मुझे सबसे ज़्यादा बीएड में लगा है। और आप ये स्केच जब आप देखोगे, इसकी आउटपुट देखोगे, तो आपको बताना कि आपको ये वाला स्केच कैसे लगा, अच्छा लगा, जैसा भी लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं कौन सा स्केच बनाऊँ आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, अगला किसका स्केच बनाऊँ, कौन सा स्केच बनाऊँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप तक पहुँचती है वीडियो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और अब मैं जो है पूरी वीडियो जो है टाइम लैप्स आप चलाऊँगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड पे आपको फाइनल स्केच की आउटपुट दिखेगी, तो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको स्केच कैसा लगा।